तो गाइस लास्ट टॉपिक में हमने आपको कराया था कि एडवांस फंक्शंस के बारे में, हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि कैसे आप फंक्शन को और एडवांस तरीके से यूज कर सकते हो और किस किस तरीके से आप फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट भेज सकते हो एज अ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में ये सब बताया था। तो गाइस आज हम करने वाले हैं मैप्स एंड फिल्टर्स। क्या करेंगे आज हम मैप और फिल्टर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैप और फिल्टर होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले गाइस हम अपना ट्यूटोरियल बनाते हैं यहाँ पर, और जिसका नाम है मैप एंड फिल्टर, mapandfilter.py, ठीक है, mapandfilter.py। और ये अपना ट्यूटोरियल नंबर 28 है। कौन सा है? 28। तो गाइस यहाँ पर हमने अपना ट्यूटोरियल नंबर 28 बना लिया है। और गाइस यहाँ पर आज हम करने वाले हैं मैप में। तो सबसे पहले गाइस अपना जो काम है हर बार का वो हम लिख लेते हैं। टुडेज टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना टॉपिक लिख लिया गाइस, मैप एंड फिल्टर्स, ठीक है। सबसे पहले मैप होता क्या है? मैप आपने क्या मतलब देसी भाषा में मैप को आप क्या समझते हो? एक नक्शा, ठीक है, नक्शा ना, है ना। तो मान लो एक फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैं एक फंक्शन बनाता हूँ प्रोडक्ट, डेफ प्रोडक्ट के नाम से। किससे? डेफ प्रोडक्ट के नाम से। इसके अंदर मैं ना ए की आर्ग्यूमेंट भेजूंगा और जिसका नाम मैं ए दे देता हूँ। किसका? जिसका नाम मैं ए रख देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर दूँ और मैं रिटर्न में करूँ रिटर्न ए इंटू टेन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने रिटर्न में ए इंटू टेन कर दिया, ठीक है। अब मान लो मेरे को एक पूरी की पूरी लिस्ट इसके अंदर भेजनी है, ठीक है। अगर मैं एक लिस्ट इसके अंदर भेजना चाहूँ तो वो एरर आ जाएगा, क्योंकि वो लिस्ट को 10 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो मैं प्रिंट करना चाहूँगा वो कुछ और ही आउटपुट आएगा, जो कि मैं लेना नहीं चाह रहा था। मैं लेना चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर एक इंटीजर या फिर फ्लोट भेजूंगा, मतलब कि एक वैल्यू भेजूंगा, मैथमेटिकल वैल्यू, और वो जो है 10 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास रिटर्न होगी, ठीक है। गाइस जैसे मैं अभी प्रिंट करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं भेजता हूँ प्रोडक्ट के अंदर भेजता हूँ मैं 5 भेजा। मैंने क्या भेजा? 5 भेजा है। और जैसे मैं इसको भी रन करता हूँ, जैसे मैं गाइस इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर क्या आया, 50 आया। यहाँ पर क्या आया? 50, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर 50 आया, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। और यहाँ पर गाइस अगर मेरे पास मान लो एक लिस्ट है L1 नाम की एक लिस्ट है, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे नंबर्स इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब मान लो गाइस मेरे को 1 by 1 पूरी ही पूरी इससे मल्टीप्लाई करवानी है, 1 by 1 पूरी लिस्ट इससे इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, इस फंक्शन के अंदर भेजनी है। तो अगर मैं डायरेक्ट इस फंक्शन के अंदर भेजूंगा, जैसे मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट और यहाँ पर भेजता हूँ प्रोडक्ट, यहाँ पर मैं पूरी की पूरी अगर L1 भेज दूँ तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? यहाँ पर आप देख सकते हो क्या आंसर आएगा। एक बार मैं इसको चला दूँ फिर देखना, देखो गाइस क्या आया। इस पूरी लिस्ट को इसने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर लिस्ट को आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो लिस्ट उतनी बार रिपीट हो जाती है। तो देखो 2 से 45 तक, देखो यहाँ पर, फिर 2 से 45 तक, यहाँ पर, फिर ऐसे 10 बार 10 बार ये लिस्ट पूरी की पूरी रिपीट हो गई है, ठीक है। तो ये मैं ये नहीं चाह रहा था ना आउटपुट, मैं चाह रहा था कि मैं इसके अंदर एक लिस्ट भेजूँ और वो लिस्ट का आइटम बारी बारी करके इससे मल्टीप्लाई हो और मेरे पास एक लिस्ट रिटर्न हो जाए। तो गाइस यहाँ पर हम अपने मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो गाइस ये मैप एक फंक्शन है। मैप क्या है? एक फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी, मैप, ठीक है। मैप तो गाइस यहाँ पर देखो मैंने क्या करा है, मैप की एक आपको डेफिनेशन दिया कि ये तो फंक्शन लेगा, एक फंक्शन लेगा एज अ आर्ग्यूमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ आर्ग्स। एक आर्ग्स मतलब कि कोई भी आपका इटरेटर एलिमेंट ले लेगा, जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, कुछ भी ले लेगा ये, ठीक है। और जैसे आप इसको दोगे वो क्या करेगा, फंक्शन टू अप्लाई करेगा इस फंक्शन को अप्लाई करेगा थ्रू ऑल द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, मतलब कि बारी बारी करके जितने भी इस सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स होंगे ना उन सबको इस फंक्शन से अप्लाई कर देगा, ठीक है। बारी बारी करके इन सारे नंबरों को इसके साथ इस फंक्शन में भेजेगा, ठीक है। तो इस मैप क्या करेगा, एक तो ये फंक्शन लेगा एज अ आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, एंड ये एक लेगा सीक्वेंस। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है गाइस, आपका लिस्ट हो, आपका टपल हो, आपका सेट हो, और उस सीक्वेंस में से फर्स्ट एलिमेंट को उठाएगा और इस फंक्शन के अंदर भेजेगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को उठाएगा फंक्शन के अंदर भेजेगा। ऐसे ही ये क्या करेगा, जितने एलिमेंट्स हैं उस सीक्वेंस के अंदर बारी बारी करके उन सबको उठाएगा और फंक्शन के अंदर भेजेगा, ठीक है। और जो लास्ट में रिजल्ट होगा उसको एज अ लिस्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्या मैं एक लिस्ट बनाता हूँ रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब मैं इसके इक्वल में रखता हूँ मैप, और मैप के ब्रैकेट लगाने के बाद मैं फर्स्ट इसमें भेजता हूँ फंक्शन, क्या
पहले से भेजता हूँ फंक्शन, तो हमारा फंक्शन का नाम क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, जब भी आप किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट भेजते हो ना, तो गाइस एक बात का ध्यान रखना, ब्रैकेट्स मत लगाना यहाँ पर, ब्रैकेट्स मत लगाना, ठीक है, वरना यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, जब भी आप फंक्शन के आगे ब्रैकेट लगाते हो तो ये समझता है कि हम मेरे को फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन हमको कॉल नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ऐसा हमको देना है यहाँ पर, सीक्वेंस हमको देना है, जो सीक्वेंस हमारे पास वो L1 है। क्या है वो? L1। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये इसके अंदर पास करूँगा। एक सेकेंड, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया। ये जो है मैप रिटर्न करेगा हमारे पास, इन सब को बारी बारी करके इस फंक्शन के अंदर भेजेगा, और जो जो रिजल्ट रिटर्न होता जाएगा ना, उसको एक लिस्ट के अंदर रखता जाएगा, उसकी पूरी लिस्ट बनाकर हमको रिजल्ट में रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैं आपको प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट रिजल्ट, तो यहाँ पर देखना गाइस क्या होगा। ये देखो गाइस, ये इसने एक ऑब्जेक्ट दिया हमको। ठीक है, इसने हमको एक मैप ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिस्ट में टाइपकास्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम इसको लिस्ट में टाइपकास्ट, वो कैसे करेंगे हम, वो गाइस आपको बता ही रखा मैंने, ये ब्रैकेट लगाएंगे रिजल्ट के सामने, वो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे आप टाइपकास्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करा, तो यहाँ पर देखो ये क्या आया, बारी बारी करके देखो, 2 इसने भेजा तो 20 रिटर्न होके आ गया, 30 भेजा तो 30 रिटर्न हो गया, आ गया। ऐसे सब कुछ, सारे एलिमेंट्स जितने भी सीक्वेंस के एक लिस्ट के टपल के सेट के अंदर होंगे, वो बारी बारी करके उस फंक्शन के अंदर भेजेगा, और जो जो रिटर्न में आता जाएगा उसको एक लिस्ट में रखकर आपको एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे ये क्या है, ये गाइज ये कुछ नहीं है, ये जो लिस्ट इसने बनाई है ना, उस लिस्ट का एक तरीके से एड्रेस इसने इसके पास भेज दिया है। ठीक है, उस लिस्ट का जहाँ पर वो लिस्ट बनी है रैम के अंदर, जो जो भी आप वेरिएबल्स डाटा रखते हो ना, वो एक जगह पर सेव होते हैं। ठीक है, तो उनका कुछ एड्रेस होता है, वो एड्रेस इसने रिजल्ट के पास भेज दिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, मैप ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर है, इस एड्रेस पर है। ठीक है, तो आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको एक ऐसा लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यही था गाइस मैप फंक्शन, आपको यही था। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिल्टर क्या चीज़ है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैं आपको आज मैप और फिल्टर सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आप तरीके हैं कुछ आप जो यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं, तो मतलब ज़्यादातर कुछ स्कूल कॉलेजों में ये बताते नहीं है कि ये ऐसे फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं, और जब आप कुछ प्रोजेक्ट बनाने जाओ और आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो वहाँ पर आपको ये जो मेथड्स हैं ये हेल्प कर सकते हैं फास्ट बिल्डअप करने में किसी प्रोजेक्ट को। और पता होनी चाहिए यार, अगर आप एक कोडिंग करने सीखने जा रहे हो, आप एक लैंग्वेज के पीछे लगे हुए, मतलब आपको एक लैंग्वेज परफेक्ट करनी है, तो यार गाइस उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप उस लैंग्वेज को बिल्कुल परफेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस अब मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ आपको फिल्टर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ना फिल्टर में थोड़ा सा टिपिकल है, फिल्टर जो है ना थोड़ा सा टिपिकल है, आपको समझ थोड़ा सा ना ध्यान दो, जब भी आपका ध्यान अगर गया हुआ हो तो अभी आप वीडियो पर ध्यान दो, और यहाँ पर आप देखो कि फिल्टर जो है ना वो भी एक एज अ फंक्शन लेगा, एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फंक्शन लेगा एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और एक सीक्वेंस का आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक, सीक्वेंस में आप कुछ भी हो सकता है, आपका लिस्ट हो सकता है, और आपका सेट हो सकता है, टपल हो सकता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप फिल्टर लिखोगे, फिल्टर 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 लिखने के बाद गैस आपको यहाँ पर क्या देना है, एक फंक्शन देना है। ठीक है, वो गैस आप लैम्डा फंक्शन भी दे सकते हो, और वो आप एज अ फंक्शन जो आप जैसे कि ये मैंने बना रखा है इस टाइप से भी दे सकते हो। ठीक है, तो गैस मैं एक आपको ना सिंपल नॉर्मल फंक्शन बना के दिखा देता हूँ, less5 नाम से फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने ए पास किया, क्या पास किया, ए। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा रिटर्न A is greater than 5, ठीक है, रिटर्न A is greater than 5, मतलब कि अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर ये फॉल्स है तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो फिल्टर क्या करता है गाइस, जितने भी आप इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट भेजोगे, जो जो ट्रू है ना, जो जो ट्रू होंगे उनको एक लिस्ट में रख के आपको रिटर्न कर देगा कि ये एलिमेंट्स हैं जो ट्रू है, मतलब कि ये एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को पास करते हैं। ठीक है, तो समझो इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि ये एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को पास करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी ये लिस्ट, यही लिस्ट मैं इस फंक्शन में आपको फिल्टर्स के थ्रू भेज के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया फंक्शन का नाम less5, और कोमा लगा के मैं L1 भेज देता हूँ। ठीक है, और मैं इस पूरे को क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, क्या करवाता हूँ, प्रिंट। ठीक है, PRINT, प्रिंट। प्रिंट कराने से के बाद मैं एक बार इसको ना, ये भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मैं उसको ना लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, किसमें, एक लिस्ट में।
तो उसके लिए मेरे को टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट का आपको पता ही है कैसे करते हैं, मैंने बहुत बार बता रखा है। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ रन, तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारे पास जो रिटर्न आया, जो प्रिंट होके आया है वो ये आया है, ये हमारा ये। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये इसको भी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको फटाफट से रन करता हूँ, तो ये देखिए गाइस 65, 76, 34, 45, 45। ए जब 5 से बड़ा हो तभी ट्रू होगा, तभी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। और तभी ये उसको सेव कर लेगा एक लिस्ट के अंदर, मतलब जो जो कंडीशन हमारी ट्रू होंगी पूरी लिस्ट या पूरे सीक्वेंस में से ये बता देगा कि हमारी ये कंडीशन, ये जो एलिमेंट्स है ये ट्रू है इस कंडीशन के लिए, मतलब कि ये इस कंडीशन में पास हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमको ना बार बार, हम जब इफ़ एल्स लगाते हैं चेक करते हैं ना कि भाई इफ़ दिस इक्वल टू, मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू, जो भी हम चेक करना चाहें वो हम फिल्टर के थ्रू आसानी से चेक कर सकते हैं। ये बहुत फास्ट स्पीड में आपका चेक करके दे देता है। अगर आप इसमें लूप लगाओगे कि भाई लूप चलाओ एक एलिमेंट की, फिर उसको चेक करो, फिर रिटर्न करो, ये ऐसे आप करोगे तो आपका बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए गाइज यहाँ पर पाइथन के अंदर बहुत शॉर्ट मेथड्स दे रखे हैं हमको चेक करने के लिए। तो गाइज ये ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं था, गाइज आपको समझ आया तो गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, बिकॉज वी नीड सपोर्ट गाइज, सपोर्ट चाहिए अभी। और सॉरी थोड़ी सी जो ये वीडियोज़ है थोड़ी सी लेट हो गई थी, सॉरी आगे से नहीं होगा क्योंकि अभी गाइज मेरे एग्जाम्स आ गए थे, तो इस वजह से मैं वीडियो जो है वो नहीं बना पाया। और कोई बात नहीं गाइज, अपनी सीरीज जरूर पूरी होगी, प्रोजेक्ट भी आएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, चिंता मत करना। और गाइज जल्दी से ये पाइथन कंप्लीट करते हैं, फिर प्रोजेक्ट पर आते हैं, और C++ पे भी बहुत जल्द ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गाइज अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो गाइज वीडियो को दोबारा देखो, वीडियो को जो है वो दोबारा देखो, आप 2x2 करके भी वीडियो को देख सकते हो, आपको मजा आएगा, ठीक है। मैं इतनी फास्ट स्पीड में नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 2x2 करके समझ नहीं आए, आप 2x करके भी मतलब कि वीडियो को देख सकते हो, मतलब कि जो वीडियो की स्पीड है वो 2x करके बढ़ाकर भी देख सकते हो। अगर आपको स्पीड में लग रहा है तो आप स्लो करके भी देख सकते हो। YouTube के अंदर सेटिंग का गियर का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आप जो स्पीड है वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।